देश और दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरें जानने के लिए आवाज़ इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही बेल आइकन को। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि जालौर के सुराना गांव के इंद्र मेघवाल हत्याकांड मामला अब तेजी से तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। शिक्षक द्वारा इस तरह से हैवानियत की हदें पार करने की घटना का पूरे राजस्थान के लोगों में भारी आक्रोश है। वहीं इस मामले को लेकर मंगलवार को फलौदी में दलित समुदाय सहित सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि लोगों ने एडीएम कार्यालय के सामने एक दिन का धरना देकर आक्रोश सभा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम का ज्ञापन फलौदी एडीएम को सौंपा। ज्ञापन में इस घटना की सीबीआई जांच करवाने, मृतक के परिजनों को 50 लाख का मुआवजा व एक को सरकारी नौकरी सहित इस केस को ऑफिसर स्कीम में लेकर मामले का विचारण फास्ट कोर्ट में करवाने सहित मृतक के घर पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज की जांच व ऑर्डर देने वाले अधिकारियों को तत्काल निलंबित करने की मांग की गई है। आपको बता दें कि इस आक्रोश सभा में फलौदी शहर के अलावा बाप लोहावट डेचू तहसील के सैकड़ों दलित समुदाय के गण्यमान्य नागरिकों ने भागीदारी निभाई। वहीं आक्रोश सभा को डॉक्टर निरंजन मेहरा एडवोकेट गोवर्धन जयपाल संतोष लखन अशोक कुमार मेघवाल सहित कई लोग ने संबोधित किया। 13 तारीख को बच्चे का दुखद निधन हो गया, जिसका दुख जिसका हम सबको गहरा दुख है। और हम आज फलौदी विधानसभा क्षेत्र के लोहट विधानसभा क्षेत्र के और कुछ साथी शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोग, विभिन्न अधिकारी और कर्मचारी संगठनों के लोग, विभिन्न अलग अलग मुद्दों पे काम करने वाले साथी, चाहे वो महिलाओं के मुद्दे पे काम करें, चाहे दलित अधिकारों पे काम करें, चाहे कर्मचारी अधिकारों पे काम करें, चाहे श्रमिक अधिकारों पे काम करें, सब लोग आज एक दिन के लिए इकट्ठा हुए थे। और हमने राज्य सरकार को एक ज्ञापन भेजा है, अशोक गहलोत साहब के नाम का एक ज्ञापन भेजा है अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलौदी को। उस ज्ञापन में हमने पुरजोर मांग की है कि राज्य सरकार अपना दोगलापन छोड़े। राज्य सरकार जिस प्रकार से उदयपुर में जो कन्हैया लाल भाई जिसकी हत्या हुई थी, जिस हत्या में सरकार ने 50 लाख रुपए दिए और दो सरकारी नौकरी दी, उसी प्रकार से इंद्र कुमार मेघवाल के परिवार को सहायता के रूप में 50 लाख रुपए दें और दो सरकारी नौकरी दें। इस पूरे मामले की सीबीआई जाँच हो और राजस्थान के अंदर छुआछूत की जितनी भी घटनाएं घट रही है उसका राजस्थान सरकार सर्वे करवाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं नहीं घटे, इसलिए राज्य सरकार मुस्तैदी के साथ काम करे। राज्य सरकार सबको छुआछूत के खिलाफ एक डायरेक्शन जारी करे, एक निर्देश जारी करे। और हम सबका ये मानना है कि छुआछूत के खिलाफ एक कठोर कानून जो राज्य सरकार लाए, ये सब हम सबका ये सामूहिक मानना है। हम सब ने लिखित में दिया है और हम लोग चाहते हैं कि इंद्र के परिवार के साथ यदि न्याय नहीं होगा तो हम लोग सुख और चैन से हम नहीं बैठेंगे। और अशोक गहलोत साहब और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि सबने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। भारत के प्रधानमंत्री जिनकी ड्यूटी बनती है, उन्होंने आज तक उन्होंने कोई ट्वीट नहीं किया, कोई भी संवेदनाएँ नहीं व्यक्त की है, जिसका हम सब में आक्रोश है। हम लोग चाहते हैं कि वो अपनी